हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड को पढ़ेंगे। इससे जो है हमेशा एक आध क्वेश्चन जो है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और जितने भी इस टाइप के जो एग्ज़ाम है जिसमें जीएस जीके जो पूछे जाते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन आपका तय रहता है कि अंडमान निकोबार से पूछ लिए जाते हैं। चाहे वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो या पॉलिटिकल कुछ बात हो या फिर किसी भी तरीके के जो हिस्टोरिकल बात हो, तो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उसे जो है डिटेल में देखेंगे। और जो है इसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ इसलिए कि इसके लिए हम हेल्प ले रहे हैं विकिपीडिया का। और इसमें हम जो है उसमें विकिपीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमारे जो है विकिपीडिया के सारे इन्फॉर्मेशन काम के नहीं है। तो जितने इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है वो ब्रीफ में लेकर के वो पॉइंट वाइज चल के आपको दिखा देंगे कि कौन सी जानकारी की है, उसको ब्रीफ में एक शॉर्ट स्टोरी को भी नैरेट कर देंगे, जिसको आपको जिससे आपको ईजी रहेगा और आपको जो है सुन लेना है और इससे ईजीली आपको याद हो जाएगा। एंड जहाँ जहाँ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत होगा तो आप उसे जो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा, और अंडमान निकोबार आइलैंड को हम मैप से सबसे पहले देख लेते हैं। ये अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप है। तो ये जो है अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा चार भागों में, ये जो है टू ग्रुप ऑफ आइलैंड है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो कौन से ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है अंडमान और दूसरे ग्रुप का नाम है हमारा जो है ये यहाँ पे जो है निकोबार। तो दो ग्रुप आइलैंड में ये डिवाइडेड है, एक है अंडमान और दूसरा निकोबार। तो अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप आइलैंड है। तो अंडमान जो ग्रुप है वो चार भागों में क्या है, डिवाइडेड है। तो पहला है हमारा नॉर्थ अंडमान, दूसरा है हमारा मिडिल अंडमान और थर्ड है हमारा साउथ अंडमान। तो फर्स्ट है नॉर्थ अंडमान, सेकेंड है मिडिल अंडमान और थर्ड है साउथ अंडमान और लास्ट एंड फोर्थ नंबर है हमारा लिटिल अंडमान। तो हमारा जो है अंडमान की राजधानी कहाँ है, अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर जो है हमारा वो है साउथ अंडमान जो है वो है, पोर्ट ब्लेयर है साउथ अंडमान में, उसकी लोकेशन है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पोर्ट ब्लेयर का लोकेशन अगर पूछ लेगा तो हमें साउथ अंडमान बताना है। उसी तरीके से जो निकोबार है, तो निकोबार भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो ये दोनों ग्रुप को मिला करके लगभग 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें जो है हैबिटेबल आइलैंड कितने हैं, तो 37 जो है आइलैंड वो हैबिटेबल है, मतलब जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जीव जंतु रह सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ 37 ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे लोग और जीव जंतु रह सकते हैं। और 572 टोटल दोनों ग्रुप को मिला के जो आइलैंड है वो 572 आइलैंड है। तो हमने देखा कि दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक अंडमान आइलैंड ग्रुप है और एक निकोबार आइलैंड ग्रुप है। तो निकोबार में हमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक यहाँ पे नीचे देख लेंगे कि ग्रेट निकोबार है, नीचे ये ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार और कार निकोबार जो है यहाँ पे। तो ये दोनों को, और जो अंडमान और ये निकोबार जो अलग होता है जिस चैनल से, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है उससे, 10 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री चैनल से क्या है कि अंडमान निकोबार अलग होता है। तो हमने ये देखा कि अंडमान निकोबार का ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिया और उसके डिवीजन देख लिए और 10 डिग्री चैनल से वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और टोटल आइलैंड है हमारे 572 आइलैंड है, जिसमें 37 जो है वो हैबिटेबल है। अगर हम इंडिया की रिस्पेक्ट में अगर हम अंडमान निकोबार की जो लोकेशन अगर देखेंगे, तो ये हमारा है प्यारा भारत और उसी के ईस्ट साइड में है हमारा, ये ईस्ट साइड में है हमारा अंडमान निकोबार है। तो ईस्ट साइड में हमारा है जो एक सी है जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल है, ठीक। और जो है दूसरी साइड से जो घिरा है ये इस साइड से यहाँ पे है, और दूसरा जिस साइड से वो घिरा है वो है हमारा अंडमान सी। तो ये अंडमान सी है और ये है पूरा बे ऑफ बंगाल। तो हमारा जो है अंडमान निकोबार किसके जंक्शन में है, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जो है जंक्शन में है। और पॉलिटिकल जो भी ज्यूरिडिक्शन होगा कैसे होगा, ये क्या है अंडमान निकोबार, एक क्या है यूटी है, और यूटी के यूटी को जो है लॉ एंड ऑर्डर उसका देखने के लिए जो है वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर चुना जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है चुनके जाते हैं और उसको बोलते हैं हम LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो काम करता है एज ए जो है एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है अंडमान निकोबार में। और
जो यहाँ की जो भी जो जुडिशरी वगैरह का कुछ भी होगा कि हर एक स्टेट जो है एक हाईकोर्ट के अंदर आता है, तो हाईकोर्ट के लिए अगर जाएगा तो अंडमान निकोबार जाएगा वो कलकत्ता हाईकोर्ट, यहाँ पे कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगा क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड जो थोड़ी थोड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम वो देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार को बोलते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मान आइलैंड, आइलैंड है क्या है अंडमान निकोबार, जिसका निकनेम है मान आइलैंड। और इसका जो मोटो वर्ड है मोटो वो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ, जो है सत्यमेव जयते ये है अंडमान निकोबार का मोटो वर्ड है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया था, किस उपनिषद का पार्ट है, तो आप उसका आंसर बताएंगे कमेंट में। और यहीं पे अगर हम इसकी लोकेशन देख लें तो लोकेशन हमने देख लिया और ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे काम की ज़रूरत नहीं है। और जो है ये अंडमान निकोबार पहले जो है डेनिस, डेनिस क्राउन, डेनिस किसे बोलते थे, जो जो क्या था कि डेनमार्क के जो लोग थे, डेनमार्क तो उनको डेनिस बोला जाता था, डेनमार्क के लोग को डेनिस बोला जाता था। जब आज़ाद नहीं हुआ था इंडिया तो उससे पहले क्या है डेनिस वहाँ पे यानी डेनमार्क रूल करता था अंडमान निकोबार में। फिर जो है डेनिस इसे छोड़ के चले गए और ये जो है फॉर्म जब यूटी फॉर्म हुआ, यूनियन टेरिटरी के रूप में फॉर्म हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956 में जो है अंडमान निकोबार एज ए यूटी फॉर्म हुआ। और जिसकी जो है कैपिटल हमने देखा था पोर्ट ब्लेयर में था और जिसकी लोकेशन कहाँ था वो था मिडिल, मिडिल या साउथ, साउथ साउथ में था, साउथ अंडमान में था पोर्ट ब्लेयर की जो है लोकेशन वो साउथ अंडमान में था। और हम देख लेते हैं कि जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे इसे रूल करती है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है और वो उसे अपने तरीके से रूल करता है। अब देख लेते हैं कि पार्लियामेंट को कैसे जो है अंडमान निकोबार जो है अपना रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जो हमारे देश में पार्लियामेंट में दो सदन है, एक को बोलते हैं राज्यसभा और दूसरा को बोलते हैं लोकसभा। तो राज्यसभा जो है स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है और जो है कहीं कहीं यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो है अंडमान निकोबार में जो है राज्यसभा, अंडमान निकोबार को एक भी सीट नहीं मिला है राज्यसभा में। राज्यसभा में सीट कितनी अंडमान निकोबार के लिए, जीरो, कोई सीट नहीं राज्यसभा में। और वहीं पर लोकसभा के लिए एक सीट मिला है अंडमान निकोबार को। और टोटल जो अंडमान निकोबार की जो एरिया है वो है हमारा 8249 किलोमीटर स्क्वायर, तो 8249 किलोमीटर स्क्वायर। अभी हमने समझा था कि जो है यहाँ पे जो हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट में जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएगा, पोर्ट ब्लेयर जो वहाँ का बेंच होगा तो उस हाई कोर्ट में जाएगा, कोई भी जुरिडिक्शन का काम जो भी रेफरेंस लेना होगा तो हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें कलकत्ता हाई कोर्ट। एरिया हमने देख लिया कि 8249 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी जो है हाईएस्ट एलिवेशन पूछेगा जो कि अंडमान निकोबार क्या है, एक आइलैंड क्या है हमारा, आइलैंड है, तो वो क्या होगा एक एलिवेटेड जगह में होगा, ये जैसा कि सरफेस है और सरफेस क्या है और ये सी है, आसपास में समुद्र तल है, तो ये सरफेस थोड़ा बहुत ऊंचा में है। और लेकिन अंडमान क्या है कि इसी सरफेस में जो यहाँ पे थोड़े बहुत जो वेलकोनो वगैरह, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो है, वो जो एक जो माउंटेन रेंज है उसका पार्ट है जिसका नाम है अरकन माउंटेन, अरकन माउंटेन रेंज। तो अंडमान निकोबार एक अरकन माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो क्या है एक उठा हुआ रहेगा सरफेस से, तो इसका हमेशा एक एलिवेशन मिलेगा, एक हाइट मिलेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट है अंडमान निकोबार में वो सैडल पीक की है, सैडल पीक की 732 मीटर, मतलब जो है हाईएस्ट पीक जो है या हाईएस्ट चोटी कहेंगे सैडल पीक है 532 मीटर की। और यहाँ पे हम जो है अरकन माउंटेन की बात कर रहे थे, तो ये इंडिया है, ठीक, ये जो हिमालय जो बना है तो हिमालय बनने के बाद जो है हिमालय ऐसे फ्लिप हो गया ऊपर, तो उसी तरीके से ये रेंज जो है ऐसे आया है। और ये जो रेंज है यहाँ पे जो रेंज गया है जो पहाड़ों का, तो उसके नीचे में कॉन्टिनेंटल के साथ साथ जो है अंदर में एक कॉन्टिनेंटल जो है एक लैंड है, तो उसी का जो है यहाँ पे कुछ अंश मिलता है अंडमान निकोबार में। और ये जो है पूरा पहाड़ वाला जो रेंज है तो उसका नाम है अरकन माउंटेन, अरकन माउंटेन। तो जो है अंडमान निकोबार किसका एक्सटेंशन है, अरकन माउंटेन का एक्सटेंशन है।
अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि पॉपुलेशन से कुछ चीजें नहीं आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि डिकेडल कैसे इंक्रीज हो रहा है घट रहा है, तो बस वही देखना है। और थोड़ा आइडिया लेने के लिए ये देख लेते हैं कि जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है 37% है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो 62% है, और जो है हमारे जो है काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, जो है स्क्रिप्ट वगैरह तो इंग्लिश एंड देवनागरी है, इस टाइप की चीज़ें। और जो है यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि जो सेक्स रेशियो वगैरह है वो देख लेते हैं एक बार। SDI 2019 के अनुसार जो है वो डिक्रीज किया है उसकी रैंक अंडमान की, और लिटरेसी है यहाँ पे 86% लिटरेसी रेट है जो कि अच्छा है 86%, और सेक्स रेशियो है 876, मतलब सेक्स रेशियो का मतलब 1000 जो है मेन में कितनी औरतों की संख्या है या फीमेल की संख्या है, तो 876 जो है वो है फीमेल पर 1000 मेल, तो मतलब 876 जो है सेक्स रेशियो है। तो हमने आगे देखा था कि 8249 जो है इसकी जो है एरिया है, एंड जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है जो जो साउथ अंडमान में है, एंड जो है कौन सी डिग्री चैनल से अलग हो रहा था, तो 10 डिग्री चैनल से अलग हो रहा था। और यहाँ पे जो है कुछ ट्राइब्स वगैरह पाए जाते हैं जैसे कि सेंटिनेलीज है, सॉम्पेन है, इस टाइप की जो है ट्राइब पाए जाते हैं। और हम हिस्ट्री में देख लेते हैं कि हिस्ट्री में हमारे क्या काम की चीज़ है। तो सबसे पहला जो है ये काम की चीज़ है कि चोला डायनेस्टी या फिर चोला एम्पायर में जो राजेंद्र चोला जो हुआ करते थे, तो उसके टाइम पे जो है स्ट्रेटेजिकली जो है अंडमान निकोबार का युद्ध हुआ था जिसका नाम उस टाइम जो उसमें था मानक्कावरम, तो है ये नाम था जिसको कंट्रोल किया जाता था कहाँ से, तंजावुर के इंस्क्रिप्शन में, वहाँ पे इसका एविडेंस मिला है कि जो है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है चोला के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, उसके नावल बेस हुआ करता था, और उसकी राजधानी और उसको जो कंट्रोल कहाँ से किया जाता था, चोला डायनेस्टी से कंट्रोल किया जाता था, और इसकी प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं, तंजावुर जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से मिलते हैं, और इसी चीज़ को प्रूफ करता है मार्को पोलो का जो है 12th या 13th century की जो एविडेंस है वो प्रूफ करता है। वो कहता है कि इंडिया के जो ईस्टर्न साइड में है एक क्वीन निक्कुवरन करके एक एंशंट निक्कुवरन करके कोई आइलैंड है उसके बारे में बता रहा था, और इसी का जो है तमिल नेम है नक्कावरम। तो ये प्रूफ होता है कि जो हमारा जो चोला डायनेस्टी था वो सबसे पहले जो है एक जो है अपना नॉवल बेस के रूप में अंडमान निकोबार को यूज कर रहा था। और उसके बाद देख लेते कि ब्रिटिश और जो है डेनिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि जो है हमने देखा था कि जो डेनिश यानी डेनमार्क जो था तो वो अपना कॉलोनी बना लिया था, किसको कॉलोनी बना लिया था, अंडमान निकोबार को, तो वो रूल कर रहा था। तो बीच में यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे कि बीच में वहाँ पे मलेरिया वगैरह बीमारी हो गया था, तो वहाँ पे एक्टिव नहीं थे उतना डेनिश। तो जो है ऑस्ट्रिया जो है यूरोप की कंट्री है उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि डेनमार्क जो है अपना वहाँ पे छोड़ दिया है, कॉलोनी अबेंडन कर दिया, तो वो जो है अंडमान निकोबार पे आना चाह रहा था अपना अटैक करने के लिए या फिर अपना कॉलोनी बनाने के लिए। तो ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया ने थेरेसा आइलैंड नाम दिया था अंडमान निकोबार का। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हो सकता है कि थेरेसा आइलैंड किसने नाम दिया था, तो ये ऑस्ट्रिया जो है उसने थेरेसा आइलैंड नाम दिया था अंडमान निकोबार का। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है अंडमान निकोबार जो है इंडिया का पार्ट बन जाता है, और जो 1956 में जो पॉइंट ये है अंडमान निकोबार को डेनिस यानी डेनमार्क जो है छोड़ के चले जाते हैं, और 1 नवंबर 1956 में जो है डेनमार्क का फॉर्मेशन होता है एज ए यूटी के रूप में। और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसमें जो है हमारे सारे ट्रेड रूट जो है सी ट्रेड रूट जो है साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है वो उसको लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम ज्योग्राफी में, तो हमारा जो है इंडिया के टेरिटरी में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है एक ही एक्टिव वोल्केनो है पूरे इंडियन टेरिटरी में। जो इंडिया के लैंड बाउंड्री है लैंड टेरिटरी है वहाँ पे कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। इंडिया के जो है पूरी जो एक्सटेंशन है जहाँ पे जैसे कि पोर्ट वगैरह ले ले या फिर आइलैंड्स ले ले तो वहाँ पे एक ही वोल्केनो मिलता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड है हमारा अंडमान निकोबार में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है इंडिया में एक अकेला एक्टिव वोल्केनो है अकेला, तो बैरन आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। और ये हमने मैप में देखा था कि जो है दो ग्रुप में पूरी अंडमान निकोबार है, तो ऊपर के 4 ग्रुप हैं और नीचे जो है कुछ ग्रुप है कार निकोबार ग्रेटर निकोबार, और ऊपर के 4 वाले का जो है क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो है नॉर्थ अंडमान उसके बाद है मिडिल अंडमान उसके बाद है साउथ अंडमान देन है लिटिल अंडमान। तो कैपिटल कहाँ पे है, साउथ अंडमान में कैपिटल पड़ता है
तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। और जो है कौन सी चैनल से अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल जो है उससे जो है अंडमान निकोबार ग्रुप और अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड जो है अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। यहाँ पे सेम की 572 जो है आइलैंड है जिसमें जो है टोटल सिर्फ 37 ही हैबिटेबल है और 2249 किलोमीटर जो है इसका एरिया है। एंड कैपिटल जो है, कैपिटल क्या है, यूनियन टेरेटरी है जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और ये बहुत ज़्यादा जो है ज्योग्राफिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो है पूरा इंडिया के, ये इंडिया है तो यहाँ पर पड़ता है क्योंकि ये वाला रीजन जो है जो सी ट्रेड के लिए हमारा साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा जो बैरन आइलैंड था वो जो लास्ट टाइम जो है लेटेस्ट जो इरप्ट हुआ है 2017 में इरप्ट हुआ है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि लास्ट टाइम जो है बैरन आइलैंड कब इरप्ट हुआ है, वो 2017 में इरप्ट हुआ है। और 2018 के टाइम पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कुछ आइलैंड के नाम जो है चेंज कर दिया है या फिर रीनेम कर दिया है आप कहेंगे, कि सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड है न्यू आइलैंड इसका नाम रखा गया है, रॉस आइलैंड का नाम रखा है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, तो रॉस आइलैंड का नाम है बॉस आइलैंड, यानी कहिए आप कि रॉस बॉस, तो रॉस आइलैंड का जो है नाम चेंज करके रखा गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। और नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप आइलैंड। और हैवेलोक आइलैंड पहले नाम था इसका हैवेलोक और उसको चेंज करके लिखा है स्वराज आइलैंड, तो रॉस आइलैंड का नाम है रॉस आइलैंड का नाम पड़ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और जो हैवेलोक आइलैंड है उसका नाम पड़ गया स्वराज आइलैंड। तो इन सारे जो है आइलैंड के नाम चेंज हो गए हैं। और उन जो सुभाष चंद्र बोस की जो 75th जो एनिवर्सरी थी तो उसमें ये चेंज हुआ है, क्योंकि अंडमान निकोबार एक सी आइलैंड है तो उसमें जो है फ्लोरा फौना का काफ़ी जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, काफ़ी रिच एविडेंस मिलते हैं, चीज़ें मिलते हैं। तो फ्लोरा फौना का जो हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि किस टाइप के जो है हमारे फ्लोरा मिलते हैं यहाँ पे, तो अंडमान सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, अंडमान मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, और अंडमान सेकेंडरी मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, और लिटोरल फॉरेस्ट भी मिलता है, एंड मैंग्रोव्स भी मिलते हैं। तो मैंग्रोव्स जो है सी, जैसा कि ये है ना आइलैंड है, तो इसके जो ये साइड है जो सी से कनेक्टेड होते हैं जो बाउंड्री वाले में, तो उसमें पाए जाते हैं मैंग्रोव्स, तो ब्रेकिश वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट और सब माउंटेन फॉरेस्ट, तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट यहाँ पे थोड़े बहुत पैच में मिलते हैं। दोस्तों जो है फौना के रूप में क्या क्या मिलता है, तो ये वर्ड है फौना जो है एनिमल वगैरह से रिलेटेड होता है फौना, और फ्लोरा जो है वो हमारा प्लांट से रिलेटेड होता है, फ्लोरा जो है प्लांट से रिलेटेड होता है। तो हमारा जो है फौना देख लेते हैं कि क्या क्या मिलते हैं एनिमल्स वगैरह, तो जो है सी में जो है ये वाले में डुगोंग्स मिलते हैं जो समुद्री जो सी का होते हैं वो मिलते हैं, सॉल्ट वाटर जो है क्रोकोडाइल मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं। और यहाँ पे जो है एलिफेंट भी मिलते हैं जिसको जो है आप देख सकते हैं एलिफेंट, और ये भाई साहब समुद्र को लगता है तैर के चले जाएंगे। यहाँ पे एक नेशनल पार्क जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है जिसका नाम है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे बहुत फेमस जो ट्राइब है उनको एक बार देख लेते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, एक जॉरवा ट्राइब है, एक है ग्रांड अंडमानीज है, देखिए सेंटिलीज ओंज है, इस टाइप के जो है यहाँ पे ट्राइब पाए जाते हैं। और यहाँ पे इनमें से बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो टीवीज के अंदर आते हैं। ये जो वेबसाइट है G20 और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो वेबसाइट है वहाँ पे है, जिसमें जो है अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं जो PVTGs के अंदर में होते हैं, जो है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है वहाँ पे उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती है, उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी नहीं है, वो लोग जो है जो कल्टीवेशन या फिर जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है अपना जो पहले से चली आ रही जो जिस टाइप से किए जाते हैं कन्वेंशनल चीज़ें हैं उसी टाइप से करते हैं, तो उनको PVTGs में रखा जाता है। ऐसे चार ग्रुप है जिसको आपको याद रखना है, अंडमानीज है और जारवा है, ओन्स है और सेंटिलीज है। तो ये चार ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स है जहाँ पे अंडमान में जो है आप PVTGs के अंदर में, PVTGs का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है अंडमानीज, जारवा, ओन्स एंड सेंटिलीज, तो ये सारे जो है ट्राइबल ग्रुप्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकोबारी का जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का वेबसाइट भी है, और यहाँ पे जारवा ट्राइब के बारे में कुछ लिखा है, इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं चाहिए तो। और ये ओंज के बारे में है जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनके जो है एजुकेशन पे कुछ वर्क हो रहे हैं तो उनके बारे में लिखा गया है। एंड एक सोमपेन जो है ट्राइबल ग्रुप वो भी जो है
अनुमान में ही पाया जाता है सोमपेन। तो एक और आपके जुड़ गए, याद रखेंगे सोमपेन अनुमानिस भी है। तो ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और अंडमान निकोबार काफ़ी अच्छी जगह है, आप घूमने जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यहाँ पे, हैवेलॉक आइलैंड, ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं।